डेली व्लॉग्स, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर एक बार उसको चेकआउट करो। और किस तरह के मैं ब्लॉग्स बनाऊँ या किस तरह के आप देखना चाहते हो, इस चैनल पे भी देखना चाहते हो, ये भी आप मुझे बता सकते हो। अब आज का जो मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये बेसिकली मैं अपना मॉर्निंग रूटीन तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं एक्चुअली वेट लॉस करना चाहती हूँ। और पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा गोलगप्पे की तरह, बलून की तरह फूली फूली सी भी नजर आ रही होंगी, फेस भी अजीब सा होता जा रहा है, बॉडी फूलती जा रही है। और ये मैंने तब नोटिस किया जब मैंने अपने कुकिंग चैनल पे मुझे ब्लॉग डाला ना, उसमें जो मैं एडिटिंग कर रही थी, तब मैंने देखा कि अरे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर मतलब ऐसे सब बलून जैसा क्यों होता जा रहा है। काफी सारे फैक्टर्स हैं, काफी सारे रीजंस हैं। मैंने उस वहां पे ब्लॉग में ये भी बात शेयर की है कि हम लोग अभी अभी रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ आसाम में, गुवाहाटी में। पहले हम लोग दिल्ली एनसीआर में थे, और होता है ना पानी का बदलना, हवा का बदलना कई बार बहुत अच्छे से सूट कर जाता है तो हम लोग फैल जाते हैं। या फिर एक और रीजन है, मुझे ना चावल से बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। दूसरी चीज ये भी है कि हम लोग पहले जब गुड़गांव में रहते थे तो वहां पे 2 BHK घर था। पहले तक तो मेड आती थी, लेकिन लॉकडाउन मेड ने आना बंद कर दिया था, तो फिर मैंने ना खुद से काम करना शुरू किया, तो मेरा ना वेट बिल्कुल बैलेंस हो चुका था। लेकिन अभी यहाँ क्या, यहाँ 3 BHK का घर है, तो यहाँ पे तो मेड इजीली अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने मेड से सफाई वगैरह करवानी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे जो वेट है ना वो इनबैलेंस होता जा रहा है। और वहां पे मैं डेली वॉकिंग भी जाती थी, डेली शाम को आधा से एक घंटा में वॉक करती थी। यहाँ पे वो भी कोई सिस्टम नहीं है, आप आवाजें भी सुन रहे होंगे, डायरेक्टली हाईवे पड़ता है, रोड है, कहीं कोई वॉकिंग एरिया नहीं है। तो फाइनली इन सब चीजों का जो असर हो रहा है वो हो रहा है मेरी बॉडी पे, और मैं गेन कर रही हूँ वेट। मुझे कोई PCOS नहीं है, कोई PCOD नहीं है, कोई थायराइड इश्यू नहीं है, बट स्टिल आई एम गेनिंग वेट एज यू सी। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं एक महीने का अपना खुद का एक रूटीन चेंज कर रही हूँ, आपके साथ आज से शुरू कर रही हूँ, और बीच बीच में इस तरह से रूटीन बताती रहूंगी कि अब क्या कर रही हूँ, अब क्या कर रही हूँ। लेकिन कुछ चीजों को कट डाउन कर रही हूँ, कुछ चीजों को इंक्लूड कर रही हूँ, डाइट में फर्क कर रही हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा सा योगा वगैरह स्टार्ट करने वाली हूँ, आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो चलो आज का ये एक व्लॉग जैसा ही वीडियो है आपके साथ शेयर करती हूँ, होप आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेडिटेशन से। मॉर्निंग सुबह के ये 7:30 बजे हैं, और मैं थोड़ा सा योगा स्टार्ट कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। इस रूम में बहुत अच्छा वेंटिलेशन है तो मैं यहाँ कर रही हूँ। अभी थोड़ा ठंड है तो बैल्कनीज में करने में थोड़ा ज़्यादा तेज़ हवा भी है। अच्छा, सेकेंड मैं ये कर रही हूँ इस तरह से, दूसरा एक योगा, और इसमें भी मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करूंगी। 5 से 7 बार मैं इस तरह से करूंगी। जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से हल्का फुल्के योगा स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। और बेसिकली मैं उन तरह के योगा फॉलो कर रही हूँ स्टेप्स जिनमें कि हमारा जो टमी है उस पर थोड़ा सा प्रेशर आए, वो थोड़ा सा पुशअप होगा। और बहुत ज़्यादा हैवी स्टेप्स, एकदम से हैवी पोजेस योगा के वेरी फर्स्ट डे पे कोई भी नहीं कर पाता है, तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से मैं कर रही हूँ जिससे कि प्रेशर जो है वो टमी पे आए, और बेसिकली हमें अपने टमी से ही जो बढ़ी हुआ वेट है और एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस करना होता है। अब ये लेग्स को मैं ऊपर सीधा ऐसे स्ट्रेट बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, इससे थाइज़ वगैरह का जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता है। और इसको भी मैं 5 से 6 बार हर पोज को करूँगी, और इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम ये इस तरह से करेंगे, इस वाले पोज में, योगा के इस पोज में ना बहुत अच्छा बैक को रिलीफ मिलता है। जिन लोगों को बैक एक का इशू रहता है, जैसे मुझे सर्वाइकल इशू है, तो इसमें बैक एक को भी बहुत रिलीफ मिलता है, कमर बहुत अच्छे स्ट्रेट होती है, और टमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद मैंने नहा लिया, नहाने के बाद मैं ये जीरा ड्रिंक पीऊँगी। ये मैंने रात को आधा चम्मच जीरा को पानी में सोक करके रख दिया था, और अभी सुबह नहाने के बाद मैं इसको खाली पेट बिल्कुल मैं इस पानी को पीऊँगी। मैंने छान लिया है, और ये जो बच गया है एक दिन मैं और इसको इसी पानी को
मतलब इसी जीरा में एक बारी और एक दिन रात को सोक कर दूंगी। अच्छा, बहुत लोगों को ये हैबिट रहता है ना कि सुबह उठते ही उन्हें पानी पीना है या चाय पीनी है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जीरा ड्रिंक तभी पी लीजिए। मैं एक्चुअली नहीं पी पाती हूँ, नहाने से पहले कुछ भी मैं नहीं खा पी पाती, इनफैक्ट मैं पानी भी नहीं पी पाती हूँ, तो इसलिए मैं नहाने के बाद बिल्कुल अभी खाली पेट हूँ तब मैं ये जीरा ड्रिंक पी रही हूँ। आप चाहो तो आप बिल्कुल फ्रेशली बना के गर्म भी पी सकते हो, बॉयल करो वार्म हो जाएगा तब भी पी सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके 1 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं खाना है, 1 घंटे के बाद मैंने ये बनाया है वर्मिसिली उपमा, बहुत ही हल्का है, सिर्फ अनियन है और गाजर डाल के इस तरह से बनाया है, और पूरी फैमिली के लिए मैंने बनाया है ये वर्मिसली उपमा। बहुत ही लेस स्पाइस है, हल्के हल्के बिल्कुल मसाले हैं और बहुत हेल्दी है। ये हो गया था मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद बीच में आप फ्रूट खा सकते हैं, नहीं तो आजकल पीनट्स का सीजन है, पीनट्स खा सकते हैं, और जो काले चने होते हैं भुने हुए आप वो खा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या खाना है। अब लंच में मैंने लिया है बहुत ही हल्का लंच, चने की दाल के राइस इस तरह से मैंने बनाए हैं जिससे वो चने की दाल की खिचड़ी भी कहते हैं, साथ में ये टमाटर की चटनी है। अब लंच के बाद बस अभी थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और शाम को मैं जा रही हूँ वॉक पे। 6:15 का टाइम है, मैं वॉक पे जा रही हूँ, अंधेरा जल्दी हो जाता है इसलिए आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है कि रात हो रही है, लेकिन शाम के 6:15 6:30 ही बजे हैं। आधा से पौना घंटा मैंने वॉक किया है, अप्रॉक्स 2 से 2.5 किलोमीटर मैंने वॉक कर लिया है, और उसके बाद आकर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, डायरेक्टली मैंने डिनर किया है, और डिनर में मैंने लिया है सिर्फ 2 चपाती और एक कटोरी से ज़्यादा ही, मैंने अप्रॉक्स 1.5 कटोरी के करीब मैंने दाल खा ली थी और साथ में थोड़ा सा प्याज। और आज का जो मेरा ये पेडोमीटर मैंने डाउनलोड किया हुआ ऐप, उसमें दिखा रहा है इतने स्टेप्स और ये अगले दिन के स्टेप्स हैं, तो 2 दिन के बेसिकली मैंने आपके साथ ये स्टेप्स भी शेयर किए। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, आप डेली आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट ज़रूर खाइए, जैसे कि बादाम हो गए, मैं भी डेली सुबह 5 बादाम ज़रूर खाती हूँ भीगे हुए। आप किशमिश खा सकते हैं, फ्रूट ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, कोई भी फ्रूट आप खाइए, दिन में एक फ्रूट तो ज़रूर खाइए, और बेसिकली ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है तब आप खाइए। उसके साथ आप शाम को चाय पीते हैं या चाय नहीं पीते हैं, जैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ तो कभी कभार मैं इस तरह के हेल्दी दूध ले लेती हूँ या कॉफी ले लेती हूँ। तो बस इसी तरह का ये अभी मेरा रूटीन है जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, फिर कुछ दिनों में आपके साथ फिर से शेयर करूंगी रूटीन। तो चलो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।